चैनल। सो जैसे कि आप जानती हैं, समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और कहीं घूमने ना जाएं, मज़ा क्या आएगा समर वेकेशन का। हॉलीडे होमवर्क तो हम वैसे भी करते ही रहेंगे, तो आज हम जाने वाले हैं बच्चों की मतलब ऐसी दुनिया में जहाँ बहुत मज़ा आने वाला है। तो ऑब्वियसली हम जाने वाले हैं किड्ज़ेनिया। सो किड्ज़ेनिया हमारे दिल्ली में नोएडा में है, नोएडा सेक्टर 38। सो अभी मतलब टाइमिंग उसकी मैं आपको बाद में बता दूंगी, टिकट्स और वो सब। अभी बज रहे हैं 11, तो हम 11 बजे थोड़ा सा 11 नहीं सॉरी 10:30 हो रहे हैं, तो 11 बजे हम घर से निकलेंगे। आधा घंटा रेडी हो जाते हैं और देख ही सकते हैं मास्टर जी अभी उठ रहे हैं। गुड डे, हेलो बोल दे। हेलो, पता है लिटरली सो रहा था, जस्ट मेरी आवाज़ सुन के उठ गया। जल्दी से रेडी हो जाते हैं, नहीं उठा हूँ मैं पहले तो उठा हूँ। सो जल्दी से रेडी हो जाते हैं और फिर हम चलेंगे किड्ज़ेनिया। बहुत मज़ा आने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे कज़न भी आया हुआ है, इसका छोटा भाई, मेरा भी छोटा भाई, मैं उसके साथ चलेंगे और बहुत मज़ा आएगा। मैं बहुत चलिए रेडी हो जाते हैं, 3, 2, 1 हम रेडी हो गए। ये अभी हम कहाँ जा रहे हैं, आज कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं डॉक्टर बनने। डॉक्टर बनने कहाँ जा रहे हैं, किड्ज़ेनिया? हाँ किड्ज़ेनिया। तो गाइस फाइनली नीचे गाड़ी आ गई, अब जल्दी से गाड़ी में चलते हैं और जल्दी पहुंचते हैं। देखो मम्मी, तीनों बच्चे बैठ गए हैं गाड़ी में पीछे। हेलो बोल दे अयान, आए अब चलते हैं कहाँ? बहुत धूप हो रही है, चलते हैं किड्ज़ेनिया। वो देखिए सामने यहाँ पे बच्चे बहुत सारे पिकनिक पे भी आए हैं स्कूल की तरफ से, वो वहाँ पे हमारा है किड्ज़ेनिया। तो छोटे छोटे बच्चे आए हैं सेकंड फर्स्ट क्लास के पिकनिक पे, जा ही रहते हैं हमें दिख गए मिनी माउस और मिकी माउस के मास्कॉट्स आजकल दिखते ही कहाँ हैं। हमने खिंचवाई फिर इनके साथ फोटोग्राफ। फाइनली हम आ गए हैं किड्ज़ेनिया, जल्दी टिकट लेके अंदर चलते हैं, एक्साइटेड है। ये तो मेरा कजन तो डर रहा था वहाँ पे जाने से मिनी माउस के साथ। चलिए अंदर चलते हैं टिकट लेके। नहीं एंटर हो गए, एसी चल रहा है, ठंड लग रही है। दिखाते भी आपको सारे टिकट का प्राइस। चलो चलो चलो, जे को डर लग रहा था वो खा जाता जी। यार तुझे ऑरेंज वाला मिला है, इसको ये अलग से क्यों मिला? ये डिवाइस सिस्टम है, इससे अगर आपके बच्चे कहीं खो जाए इसे आप ट्रैक कर सकते हो उन्हें। जल्दी से बंदा चलते हैं यार।
किड्जेनिया है, क्योंकि कितनी सारी प्लेसेस पे है, ब्राज़ील में भी है किड्जेनिया, टोक्यो में भी है, लंदन में भी है. सो वेलकम, बिएनवेनीतो, स्वागत है. फाइनली हम आ गए. ऊपर देखो यार, क्लाउड्स भी हैं. छोटी छोटी स्ट्रीट लाइट्स हैं ऊपर, बहुत मस्त लग रहा है ना. चलो भाई, ये देखो, ये स्कूल के बच्चे आए हैं. सो सारे जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें बोर्डिंग पास मिलता है, जिसमें आप IDFC बैंक में दो तो हर पर्सन को ये 50 रुपीज़ मिलेंगे, जो किड्जों में है. ये उनकी करेंसी है किड्जेनिया की, जिससे आप बाकी वो बाकी चीज़ें जो एडवेंचर कर सकते हो बाय गिविंग दिस मनी. हमारे पास है 50 किड्जो, इनका नाम है. ओके, बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी यहाँ पे. टिकट में भी था कि आप 3 घंटे करो या फिर किसी 5 घंटे फुल डे. हमने 5 घंटे करा, फिर भी हम पूरी कवर नहीं कर पाए. फुल डे में एटलीस्ट हो जाती, बट बहुत मज़ा आया. हमने कुछ सारी चीज़ें तो हमारी नहीं हो पाई. सो हर एक्टिविटी के आगे एक बोर्ड लगा होता है, जिसमें लिखा होता है एक बार में कितने बच्चे जा सकते हैं, और लिखा होता है कितने ग्रुप के बच्चे जा सकते हैं, मतलब कितना एज के बच्चे जा सकते हैं. फिर उसमें लिखा होता है प्लस और माइनस आगे नंबर होता है. अगर प्लस लिखा है तो एक्टिविटी करने से आपको पैसे मिलेंगे, माइनस लिखा है तो कटेंगे. तो आपको स्पेंड और ऑन का बैलेंस रखते हुए पूरी एक्टिविटीज़ हमने करी थी. सो अभी चल के देखते हैं क्या करें. और ड्यूरेशन भी लिखा होता है वहाँ पे कितने टाइम की एक्टिविटी होगी. देख सकते हैं आप कितनी सारी चीज़ें दिख रही है. अब जल्दी से ऊपर चलते हैं. ये देखिए, मैं इस टाइप के बॉक्स नेम प्लेट की बात कर रही थी, जिसमें कितने किड्स, एज, टाइम और रुपीस लिखा हुआ है. सो फर्स्ट थिंग, हमने घुसते ही भूख लग रही थी तो हम चले गए पिज़्ज़ा बनाने. फाइनली एंटर हो गए. अब जल्दी से यूनिफॉर्म पहन के, एक तो आपको सबसे पहले अपना वो स्कैन करना होता है, ये जो आपको ब्रेसलेट है, हर जगह एक्टिविटी में आपको स्कैन करना पड़ता है. फिर वो आपको एंट्री फीस या जो भी मिलेंगे देने पड़ते हैं. एट्रिन पहन के बन गई मैं मास्टर शेफ. हाँ, चलिए अब पिज़्ज़ा बना लेते हैं. मॉडलिंग तो हो गई खूब. यम्मी यम्मी पिज़्ज़ा. वो देखिए गाइस, कितने सारे बच्चों की परेड जा रही है. स्कूल के बच्चे पिकनिक में, ये पिकनिक के लिए आए हैं सारे. ये फर्स्ट क्लास के बच्चे पिकनिक के लिए ज़्यादातर किड्ज़ में आते रहते हैं. इतने सारे परेड में आप देखो, शोर सुनो अभी आप. यम्मी है पिज़्ज़ा? हाँ, हम दोनों का थीम है. ओके, सेम विदाउट एनी वेजिटेबल. हाँ, ओके, एंजॉय. आता है यार, टेस्टी है, टेस्टी है. यम्मी मम्मी, पिज़्ज़ा ये लोग खा लो. जा रहा ना तू, ये चीज़ निकाल देते हैं तो मैं खा लूँगा. हाँ, मैं खाऊंगा. हाँ, हम दोनों खाएंगे. चीयर्स. पिज़्ज़ा तो खा लिया, अब बारी स्वीट डिश की, तो चलते किंडर जॉय बनाने. किंडर जॉय भी खाएंगे. चलो चले. फाइनली एक्टिविटी 2 है हमारी, किंडर जॉय फैक्ट्री. सो अब हम यहाँ पे किंडर जॉय बनाएंगे. फिर से हमने जो शेफ का किंडर जॉय वाला कोट था वो पहन लिया. पहले तो उन्होंने एक्सप्लेन करा था किंडर जॉय में क्या क्या डलता है, किस किंडर जॉय किससे बनती है. और फिर उसके बाद हमने किंडर जॉय, उन्होंने पूरा मशीन में प्रोसेस दिखाया. फिर हमें एक एक किंडर जॉय भी मिली. देखिए अभी आपको सब दिखेगा.
बना दिया। एक्टिविटी थ्री है टर्किश एयरलाइंस, इसमें हमने उड़ाया था एरोप्लेन। ओ भाई इतना मज़ा, पहली बार एरोप्लेन उड़ाए, मतलब ऑब्वियसली पहली बार ही होगा मेरा। पहले हमने स्कैन कर लिया, अब हम तीनों बैठे हुए हैं। एकदम ऐसे कैबिन टाइप बना रखा था, हमने हैट पहनी और वो जो कोट होता है पहना हमने। फिर उसके बाद हमने प्लेन उड़ाया, सिस्टम हमें एक दो बता दिए थे। एक्टिविटी फोर के इसमें हम गए, एक डमी रखा हुआ था आपको दिख रहा है, तो हमने फिर से कोट पहन लिया। अब हम बन गए हैं डेंटिस्ट, अब हम लोगों के दांत तोड़ेंगे। हमने उस बंदे की कैविटी सही करी, एक छोटे बच्चों को जैसे वीडियो के द्वारा सिखाते हैं, टीवी पे वीडियो चल रही थी, उस हिसाब से हमने एक्सप्लेन करा, बताया टीथ के बारे में, कौन से पार्ट ऑफ टीथ होते हैं। फिर ये देखो अभी हमने सिखाया टीथ को कैसे साफ करना है। देख रहे हो कितनी ध्यान से प्रोफेशनल्स की तरह सुन रहे हो भाई, अच्छे से दांत ठीक करा था मैंने। बाय लास्ट में पेशेंट मुझे थैंक यू भी बोल के गया था, डमी ने उठ के बोला थैंक यू मेरा दांत ठीक करने के लिए। तो अयान जा रहा है फायर डिपार्टमेंट में, मैं जाऊंगी अपना नेल आर्ट में, तो अभी हम यहाँ से बिछड़ने वाले हैं। बाय अयान तो चला गया फायर डिपार्टमेंट में, वहाँ पे उसको पहले सिखाया कि उनका वर्क क्या होता है। फिर ये जो ट्रक दिख रहा है मेरे पीछे, ट्रक मतलब कार, उसमें इन सबको बैठाया, फिर एक जगह पे इन्होंने जाके आग बुझाई। फाइनली मेरा तो हो रहा था नेल आर्ट कॉज, इतना मज़ा आया ना मुझे, इतना सैटिस्फाइंग। एसी चल रहा है, मेरे नेल्स पे काम कर रहे हैं। ये देखो अभी अयान यहाँ पे बैठा हुआ है, अभी ये जा रहा है रेस्क्यू करने, होटल में लगी है आग, अभी जाके आग बुझाएगा। आपको दिख रहा है वो बैठा हुआ है। सो फाइनली हमारी एक्टिविटी 7 है, जिसमें हमें एडवेंचर का पूरा क्लाइम करते करते जाना था। हाइनेस लगी हुई थी ऑब्वियसली, फुल सेफ्टी, बट गॉड ऐसे ऐसे रास्ते थे, एक पतली रस्सी पे, एक प्लांट पे मुझे सबसे डिफिकल्ट था, जिसमें जो प्लेटफॉर्म थे वो आगे टेढ़े थे, तो जैसे तैसे हमने करा। आप देख ही हो भाई, बहुत डर लग रहा था, चाहे कुछ भी हो आई नो सेफ्टी है, बट हाँ ये वाला मैं कह रही हूँ जो आगे टेढ़ा था ये बहुत डिफिकल्ट था, बट हमने पूरा कर लिया, वो भी बहुत जल्दी कर लिया।
कैशियर तो बन नहीं पाए, बिलिंग मशीन बनती। तो हमने गेम खेला जिसमें हमने 10 प्रोडक्ट्स को भी रैंडम उठाने थे, फिर उन सबको जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखना था, जिससे हमें ऑब्वियसली 8 किट्स मिलने वाले थे। पैसे अर्न करने के लिए ऑब्वियसली हमने करा, बहुत मज़ा आ रहा था। छोटी सी ट्रॉली लेके मैं कर रही थी। सो फाइनली एक्टिविटी 12 फार्मिंग, जिसमें हमने सारे फ्रूट्स प्लक करे, वीट निकाला, गाय का दूध निकाला, प्रिटेंड करा कि हमने गाय का दूध निकाला। यहाँ पे हमारी फ़ोटोज़ खींच रही थी, हर जगह ये आके फ़ोटोज़ खींच रहे थे, फिर लास्ट में हमने उस जगह से ले लिया। तो अब मैं यान के साथ फ्रूट ले रही हूँ, ऑरेंजेस थे, एप्पल था, पोमोग्रेनेट। अब मैं वीट प्लक कर रही हूँ और फिर हमने मिल्क निकालने का प्रिटेंड करा। हमें एक ऐड भी दिखाया जिसमें हमें दिखाया कि इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक पॉरिश टाइप बनता है, हम खाते तो है नहीं, हमें पता नहीं था, मैं नाम भूल गई। तो उन्होंने हमें बताया वो कैसे बनता है, फिर उन्होंने हमें एक पैकेट दिया और ऑब्वियसली हमने किड्जीनिया का मनी, किड्जीनिया की करेंसी भी ली, 10 किड्जोस, और फिर हम आ गए। देखिए अभी तो दूध भी निकालेंगे। हर जगह यही हो रहा था, टीवी पे हमें रिलेटेड टू वीडियोस दिखाते थे और फिर हमें समझाते थे, एक्सप्लेन करते थे। अब देखो ये दूध निकाल रहा है यार। अब हमने सारे फ्रूट्स और ये सब थे मशीन में डाल दिए, फिर वो मिक्स होके बन गया हमारा पोरेज। मैं तो खाती नहीं हूँ यार, पैकेट मिल गया फिर तो मैं दूध में डाल के खाऊंगी। एक्टिविटी 13 है मेकरशाला, जिसमें मेरा कज़न गया, क्योंकि बहुत छोटे बच्चों के लिए था, हम बोर हो जाते हैं। इसमें इन्होंने ये मतलब टूल्स को ऐसे करके कुछ कनेक्ट करके मतलब कुछ बनाया था, पाइप्स और वो सब इंजीनियरिंग का टाइप का काम, उसको तो भाई बड़ा मज़ा आ रहा था करने में। ये वाली एक्टिविटी हमने फिर से करी क्योंकि आयान ऊपर तक पहुंच नहीं पाया था। ऊपर टॉप पे एक बटन था जिसको आपको क्लिक करना था, इस बार मैंने भी करा और आयान थोड़ा सा मुझसे जल्दी पहले उसको चढ़ाया था, तो उसने मुझसे थोड़ा सा पहले बटन जल्दी दबा दिया। दो हम दोनों ने इक्वल टाइम पे ही दबाया होता अगर हमें साथ में छोड़ा। मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं चढ़ती जा रही हूँ, जैसे मैं ऊपर पहुँची, अब देख सकते हो मैं चढ़ रही हूँ, मैं बहुत लेट स्टार्ट हुआ मेरा, जैसे ही मैं चढ़ती जा रही हूँ, फिर मैं ऊपर पहुँची, उन्होंने कहा ठीक है छोड़ दो, बटन दबा दिया मैंने। मैंने नीचे देखा भाई मेरी हालत ख़राब, इतना ऊपर थी मेरे को पता ही नहीं चला। अगली एक्टिविटी है रिसीविंग द पार्सल। पहले तो हमने पार्सल दिए थे, अब हम रिसीव करने वाले हैं। वो एक्टिविटी करके तो भाई हाथ मेरे ऐसे गर्म हो गए थे ना, एकदम दर्द कर रहे थे। तो जल्दी से अपनी ट्रॉली लेते हो, अब पार्सल रिसीव करने चलते हैं। बीच में तो हम जगह में घूम भी गए, सबसे लेट पहुँचे हम। एक तो ये ट्रॉली नहीं संभाल पा रहा था, देखो ऐसे तो भगा रहा था, पता नहीं थोक देता कितने लोगों को, एटलीस्ट लास्ट में, पर एटलीस्ट हमें। अगली एक्टिविटी में नाश्ता कॉर्नर शॉप थी, जहाँ पे हम घुसे, हमने हाथ धोए, पहले तो स्कैन करा ब्रेसलेट, फिर आप देख ही सकते हैं हमने ब्रेड को एक शेप में कट करा, फेवरेट शेप मैंने फ्लावर शेप लिया था, फिर उन्होंने पीनट बटर डलवाया और स्प्रिंकल्स वाले। गाइस सच बता रही हूँ बहुत टेस्टी था ये। अगली एक्टिविटी है ड्राइविंग स्कूल, जिसमें हम लोगों ने पहले से फिर से अपना स्कैन करा, आप देख सकते हैं लिखा हुआ 20 मिनट्स, -12 देने पड़े पैसे ऑब्वियसली। हम बैठ गए और भाई दिखता है इजी है, ये गेम चल रहा था, आपको ब्रेक और वो सब क्लच किए हुए थे, देखने में बहुत इजी लगता है, बट मैंने इतनी बार गाड़ी ठोकी, मुझे लगता है मैं इसलिए गाड़ी तो नहीं चला पाऊँगी भाई, इतनी गाड़ी कभी मेरे से
ब्रेक, कभी मैं कहीं ठोक रही हूँ कभी कहीं ठोक रही हूँ, एटलीस्ट फाइनली मैंने गेम कंप्लीट करा। सबसे पहले मैं नहीं करा ऑब्वियसली, मैं बड़ी भी हूँ। ये दोनों तो मज़े कर रहे थे, सुन भी नहीं रहे थे जो भैया बता रहे थे। मैं देख रहा हूँ कितनी मस्त कार चला रही हूँ कॉन्सेंट्रेशन के साथ। फाइनली मुझे मेरा लाइसेंस मिल गया, मजाक कर रही हूँ, मतलब ऑब्वियसली लाइसेंस कैसे मिल जाएगा, बट बहुत मज़ा आया, इट वॉज़ अ नाइस एक्सपीरियंस। ये एक्टिविटी भी मैंने नहीं करी कॉज यार नहीं यार, मैं बाकी बहुत कुछ कर लेती, थोड़ा छोटे बच्चों का था। ये था इमरजेंसी डॉक्टर्स में, यहाँ देख सकते हैं कोट पहन के बन चुका है डॉक्टर, इलाज करने एम्बुलेंस में जाएंगे भाई साहब। पहले तो इन्हें भी पहले सिखाया, फिर उसके बाद ये गया। इतनी सारी एक्टिविटी के करने के बाद पेट फिर से खाली हो गया, तो हम आ गए MOD मैड ओवर डोनट्स पे, जहाँ पे हमने बनाए डोनट्स। अभी पहले हम सीख रहे हैं डोनट कैसे वो हो रहा है, बहुत टेस्टी डोनट बनाया था हमने। ये देखो आयान जा रहा है एम्बुलेंस में, जब तक हमने डोनट बनाया ये एम्बुलेंस में गया, वो देखो पीछे बैठा हुआ है। सही है भाई, हम वहाँ डोनट बना रहे हैं, ये वहाँ पेशेंट्स को सही करके आ भी गए। चलिए डॉक्टर साहब उतर जाइए। सो फाइनली दिस इज अ डोनट मेड बाय मी, कितना टेम्पटिंग लग रहा है गाइस, जल्दी से खाते हैं। बहुत दीदी ने जब तक डोनट मंगाया, बहुत टेस्टी है यार। आयान को खिलाओ, आयान टेस्ट इट, कैसा बनाया दीदी ने? नहीं बनाया, ये पुलिस स्टेशन में ला दूंगी। कैसा लगा? बहुत टेस्टी है, मानी मानी। अब हम आ गए पार्ले जी फैक्ट्री, जिसमें उन्होंने हमें एक्सप्लेन करा कि ऑब्वियसली पार्ले जी के बिस्किट्स बनते कैसे, पूरा प्रोसेस समझाया हमें, इतनी सारी मशीन्स थी उसके द्वारा हमें समझ आया। उसके बाद ऑब्वियसली हमें फिर से खाने को भी मिला, क्या मिला? पार्ले जी बिस्किट मिला। मैं खाती नहीं पार्ले जी, आई डोंट नो, बट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आयान ही नहीं खाया। बट अलग एक्सपीरियंस था यार, मज़ा आ रहा था देखने में कि वो मशीन्स में ऐसे आगे आगे जा रहे हैं, बन रहा है। अभी उन्होंने मैं वीट और शुगर निकाल के दिया हमारे कप में, फिर हमने मशीन में डाला और बन गया हमारा पार्ले जी। सो अब अगली एक्टिविटी आर्कोलॉजिकल साइट। ये एक्टिविटी आयान ने अकेले करी क्योंकि मुझे ये बहुत बोरिंग लग रही थी। इसमें आपको नीचे अंडरग्राउंड बना रखा है, वहाँ पे जाके मिट्टी थी फॉसिल निकालना था। यहाँ पे सिर्फ बच्चे जाना अलाउड है, पेरेंट्स जो हैं वो कैमरा में देख सकते थे। ये आयान गया रेड टी शर्ट में, स्कैन करवाया, फिर इसने हड्डियाँ खोद के निकाली। कितनी हड्डी खोदी आयान आपने? एक हड्डी खोद पाया ये, बट ऑब्वियसली उसकी रैम में मैं कुछ और कर रही थी। अभी आपको दिख रहा है यार, इसमें कैमरा में दिखाएंगे कि ये क्या कर रहा था। इतनी सारी एक्टिविटी बच्चे कर रहे हैं, पेरेंट्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? खड़े रहे। आई गॉट यू द आंसर, यहाँ पे है पेरेंट्स लॉन्च, दिखाती हूँ क्या क्या। ये पेरेंट्स लॉन्च है सेकेंड फ्लोर पे, देख सकते हैं सारी मैगजीन्स हैं यहाँ पे, ब्यूटीफुल सी क्रॉकरी, और आप देखिए तो ब्यूटीफुल सोफा लगे हुए, और ऊपर टीवी भी है। ऊपर से इतने सारे गेम्स मैं दिखाती हूँ यार, पेरेंट्स से ज़्यादा तो बच्चों को मज़ा आएगा यार। ये गेम है, कैरम भी है यहाँ, फुटबॉल इतना बड़ा, ये 8-8 का है ना। सही है यार, पेरेंट्स के लिए एंजॉय करो, टीवी भी है। चल आयान स्टार्ट, बॉल का है मेरे तो 10, मेरे तो 10 हो गए। वो गया और क्या।
सो फाइनली टोटली हम 20 एक्टिविटीज ही कर पाए। ऑब्वियसली फिर हमने आधा टाइम तो खाने पीने में बिता दिया, कभी हम कुछ खा रहे हैं। इसके बाद हमने मोजीतो भी पिया और आइसक्रीम भी खाई थी, मज़ा आया। फिर हम गाड़ी में बैठ के घर आ गए। तो फाइनली गाइज हम वापस घर आ चुके हैं। हालत देख के बता ही सकते हैं, 5 घंटे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब हम पूरा, मैं आराम से कपड़े चेंज करके लेट गई हूँ, नींद आ रही है। ओ गॉड, बहुत मज़ा आया। अब मैं आपको फाइनली कुछ टिप्स बता देती हूँ, किड्स एरिया आपको ज़रूर जाना चाहिए। पहला तो शूज़ पहन के जाना चाहिए, वरना ऑब्वियसली एक्टिविटीज़ नहीं कर पाओगे। और स्कर्ट्स और ये सब प्रेफर मत करना, फुल पैंट्स और शर्ट पहन के। स्निकर्स ज़रूर पहनना, स्निकर्स शूज़ जो भी पहनना है। कंसेप्ट ऑब्वियसली आप समझ ही गए होंगे, वीडियो में मैंने आपको समझा दिया। बहुत मज़ा आया। लेटेस्ट लास्ट में हमारे पास 188 रुपीज़ बच गए। 100 रुपीज़ होते तो हम कुछ और ख़रीद पाते, उन पैसों से ख़रीद पाते, या बट 88 थे तो कोई बात नहीं। अब हम उसको अगली बार जब जाएंगे यूज़ कर सकते हैं। वो पैसे एनी टाइम कभी भी चलते रहेंगे, वो साल साल तक चलते रहेंगे। सो अयान भी आ गया, बाय करने का समय हो गया। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगली बार एक न्यू वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।